नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फोन पे में यूपीआई आईडी क्रिएट कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि फोन पे में हम जो है अपनी यूपीआई आईडी कैसे क्रिएट करें, तो गाइस आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फोनपे एप्लीकेशन ओपन करना है। फोनपे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो है अपने फोनपे आईडी को लॉगिन करना होगा। अगर आपने फोनपे एप्लीकेशन पर अपना जो है अकाउंट ऐड करके नहीं रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट भी ऐड कर लेना है। तो अपना जो है बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको जो है अपना एक ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट है यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आप जिस भी नंबर से अकाउंट बना रहे हो आपका जो है नंबर बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो है नंबर ऑलरेडी लिंक है और यहाँ पर मेरा जो है बैंक अकाउंट शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो है बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे की ओर फिर से आपको प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है एक नीचे की ओर पेमेंट सेटिंग्स में यूपीआई आईडी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली यूपीआई आईडी ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद गाइस फोनपे की ओर से यूपीआई आईडी जो है क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी को सिर्फ एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 बैंक की यूपीआई आईडी देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी बैंक की यूपीआई आईडी को जो है एक्टिवेट करना चाहते हो, यहाँ से आप किसी भी यूपीआई आईडी को एक्टिवेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने जो है यस बैंक की यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करके रखा है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर आप माय यूपीआई आईडी इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप एक्टिवेट नाउ ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, और गाइज आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, और ओटीपी डालते ही आपकी जो है यूपीआई आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी यूपीआई आईडी को पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप जो है फोनपे एप्लीकेशन में आप अपनी यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।